खेसारी भैया का गाने में चार चांद लग जाता है, और ये कब लगता है? जब अन्नपूर्णा फिल्म से आता है उनके गाने, तब। नहीं, मुझे ये बताओ खेसारी भैया ये ढोढ़ी वाला सीन कब से करने लगा भाई? पहले तो ऐसा नहीं करता था खेसारी भैया, आजकल ये किसके संगत में रह रहे हैं और ये किसके संगत के असर है? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। खैर मुझे इससे क्या लेना, चलिए बात करते हैं आगे। और इसमें मैं बात करूं, खेसारी भैया तो 2012 वाला फिर से वापस लौट आए हैं इस गाने में। तू अपना छोटा की बहन से हमारा सेट कराता ना। देखिए यही लड़की है, यही लड़की देखिए, और कैसा है यार मत पूछिए। खेसारी भैया एकदम हिला के रख दिया, क्या बात है खेसारी भैया, जवाब नहीं है आपका। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मतलब ये गाना होता है यार, हद है गाने में। इतना ट्रेडिशनल दिखाने के चक्कर में खेसारी भैया क्या दिखा दिए, मतलब उम्मीद नहीं था जो खेसारी भैया इस टाइप के हरकत करेंगे वीडियो में। खेसारी भैया वही भोजपुरी को ला दिया था है, जो पहले हमारे भोजपुरी हुआ करता था। और ये वीडियो खास करके उन युवाओं को पसंद आएगा, जो युवाओं में बहुत दिन से बोल देते हैं खेसारी भैया भक्ति बहुत कर लिए, थोड़ा हम लोग को भी, हम लोग भी हैं, हम लोग पे ध्यान दीजिए। तो खेसारी भैया ने ऐसे ध्यान दिया, ऐसे ध्यान दिया जिनका कोई जवाब नहीं है, और ये बस गाने का बस एक गाने की बात करूं मैं तो गाने वही फिर से हमारे भोजपुरी सारे एक हो चुके हैं, वही अन्नपूर्णा फिल्म्स, वही अखिलेश कश्यप और वही खेसारी भैया एकदम एक हो गए। अब फिर से भोजपुरी में होगा पहले जैसे धमाका, और आते रहेंगे अब खेसारी भैया का नए से नए सॉन्ग अन्नपूर्णा फिल्म से, क्योंकि ये अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी भैया का बहुत पुराना नाता है, और ये नाता 4 साल पहले से मतलब नहीं चल रहा था, नहीं आ रहा था इस मतलब चैनल पे सॉन्ग अन्नपूर्णा फिल्म्स करके जो है, लेकिन अब वो तैयार हो गए हैं फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, और कहीं हमें ये न लग रहे हैं जो काजल राघवानी जी भी अब वापस आएंगे खेसारी भैया के साथ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है, क्योंकि अन्नपूर्णा फिल्म्स जो है वो ऐसे मतलब प्रोड्यूसर है उनके, जो मतलब मानो अखिलेश कश्यप भैया जी, उसके बाद खेसारी भैया और उसके बाद काजल राघवानी, बस ये 3-4 लोग का जो है ना गठबंधन है इससे, और बहुत पुराना नाता है। तो कहीं हमें आगे चल के कुछ दिन में काजल राघवानी जी भी दिखेंगे खेसारी भैया के साथ, बहुत बहुत बड़े मूवी भी आएंगे अब, और सॉन्ग तो एल्बम सॉन्ग का तो भरमार है, भरमार उसका कोई कमी नहीं है, और खेसारी भैया ऐसे ही गाना लाते रहे। ये गाना खास करके हम तो पहले ही बोल दिए थे जो ये गाना हमारे युवाओं के लिए है, अब इतना डीप में नहीं जाना है, समझ रहे हैं बस वही काफी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, खास करके आप लोगों को, यंगस्टरों को। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर सेम वीडियो आप हमारे Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे कहीं पे भी देख रहे हैं YouTube चाहे Facebook, एक लाइक और एक कमेंट करके जाएं, और खेसारी भैया का ऐसे ही हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।